वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य स्त्री मुक्ति दिन परिषद का आयोजन नागपुर स्थित कस्तूरचंद पार्क में किया गया था, जहां पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर भी मौजूद रहने वाले थे। लेकिन कुछ देर पहले ही सभा मंच का पिछला हिस्सा लोहे के एंगल समेत ढह गया, जिसके चलते चारों ओर अफरा तफरी मच गई। दरअसल 25 दिसंबर 1927 को भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा तत्कालीन शासक ग्रंथ मनुस्मृति को जलाया गया था, जहां के नारी विरोधी कानून बनाए गए थे, जिसके आक्रोश के रूप में ही बाबा साहेब ने इस ग्रंथ को जलाया था। ऐसे मौके को मनाते हुए आज भी आम्बेडकरी अनुयायी इस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके चलते वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा स्त्री मुक्ति दिन परिषद का आयोजन नागपुर स्थित कस्तूरचंद पार्क में किया गया था, जहां पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर भी मौजूद रहने वाले थे। लेकिन कुछ देर पहले ही सभा मंच का पिछला हिस्सा लोहे के एंगल समेत ढह गया, जिसके चलते चारों ओर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि यहां कोई जनहानि नहीं हुई और पार्टी अध्यक्ष प्रकाश आम्बेडकर उस समय मंच पर नहीं थे। इस घटना की सियासी गलियारों में भारी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डेमरे की रिपोर्ट।